यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कायदे कानून को ताक पर रखकर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर 21 लोगों की संसदीय सचिवों के ऊपर नियुक्ति कर दी। मैं समझता हूँ यह घोर संविधान का उल्लंघन है, इसके अंदर भ्रष्टाचार है, क्योंकि संविधान के अनुसार से वो इतने सारे लोगों को नियुक्त नहीं कर सकते थे और उनको बंगला, गाड़ी, ऑफिस इसकी बात नहीं कर सकते थे। तो चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान लिया है, इसके ऊपर वो चुनाव आयोग पे भी टीका टिप्पणी कर रही हैं, जो कि एक अपना स्वैच्छिक रूप से काम करता है, तो वो भी गलत है। और मैं समझता हूँ इनको दिल्ली के अंदर अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए वो इस समय इसका विरोध कर रहे हैं और चुनाव आयोग की भी आलोचना कर रहे हैं। राष्ट्रपति को इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, दिल्ली की जनता अपने आप फैसला करेगी। अगर आपने देखा हो तो एक बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी पूरे देश में कोई दूसरा चुनाव नहीं जीत पाई, चाहे वो पंजाब के चुनाव हों, चाहे वो गोवा के चुनाव हों, चाहे वो MCD के बाई इलेक्शन हों या MCD के जो रेगुलर अभी इलेक्शन हुए थे, कहीं पर भी उनकी सरकार नहीं बनी है। तो ऐसे के अंदर मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को त्यागपत्र दे देना चाहिए। उनको भेजा इसलिए गया था कि दिल्ली के अंदर विकास होगा, उन्नति होगा, नए तरीके से काम होगा, पर चिंता की बात यह है कि उनके ज़्यादातर विधायक जो हैं भ्रष्टाचार और दूसरे कामों के अंदर लिप्त हो गए थे।